क्वेश्चन को आता है, इनका नाम मुझे फिर वो पहचान कैसे होगी? थोड़ी तकलीफ जरूर हुई होगी हमारे मुख्य अतिथि और जो भी यहाँ थोड़ा देर हो गई थी, लेकिन मेरा लोग आ गए, उनका बहुत बहुत आभार और आपका सभी का सम्मान है। सम्मान जमाने में आप सभी का आपको मुबारकबाद 2019 के इस सम्मान और पुरस्कार समारोह में आज़ादी उड़ान की जानिब से आपको साहित्यकार आज इस प्रोग्राम में आप लोग शरीक हुए, इतनी दूर से आए, तकलीफें देखी, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, समाज के अलावा परेशानी जरूर हुई होगी। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत सम्मान आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ लोगों ने अगर खाना नहीं खाया तो 13 अक्टूबर रविवार को अदबी उड़ान का जो चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान समारोह है, जिसका आयोजन सेक्टर 3 में स्थित नेहरू छात्रावास के तिलक सभागार के अंदर आयोजित किया गया था, जिसमें देश के जाने माने साहित्यकारों ने शिरकत की और लगभग 13-14 स्टेट के यहां पर साहित्यकार जो अपने आप में बड़े ख्यातिनाम हैं, जिनकी बड़ी जो है ना प्रसिद्धि थ्रू आउट इंडिया है, उन सबको यहाँ पर अदबी उड़ान की ओर से उनको पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। तो ये मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि एक अदबी उड़ान का ये जैसा कि चौथा कार्यक्रम है, और इस चौथे कार्यक्रम के अंदर तो उन्होंने इसकी उड़ान को इतना ऊँचा दिया है कि मैं तो हर्षातिरेक से आनंदित हूँ, मगन हूँ, और उसके बाद भी ये एक तरह से ये मेरा प्रण है कि इस तरह का आयोजन हर वर्ष होता रहेगा। कल कुल चार अभी तक जो है ना वो सम्मान समारोह हुए हैं, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि इन चारों ही कार्यक्रमों के अंदर आदरणीय गुलाब जी कटारिया, जो कि मेरे बीएड के साथी हैं, मेरे परम मित्र भी हैं, जो शिक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तक से रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से व्यस्ततम कार्यक्रम में से भी कुछ को छोड़ा है, और उसको छोड़ने के बाद में यहाँ इस कार्यक्रम में सिर्फ अपनी मित्रता निभाने के लिए आए। हमने भी बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका 75वां वर्ष पूर्ण होने पर उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दी, और मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए बहुत बड़ा एक तोहफा है कि जो उदयपुर से लेकर के राजस्थान से लेकर के और पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों से जितने भी साहित्यकार हैं, महिला पुरुष नवोदित, उन सब के सानिध्य में हमने उनका जन्मदिन यहाँ पर मनाया। इन्हीं के साथ में हमारे चंद्र सिंह जी कोठारी है, जो कि सम्मान और आदर करता हूँ, और उनके छोटे से मेरे निवेदन पर वो भले ही व्यस्तम कार्यक्रम में रहे, लेकिन फिर भी अंतिम क्षणों में भी वो यहाँ पर उन्होंने अपनी टीम भेजी और इस कार्यक्रम का पूरा कवरेज किया है। तहे दिल से उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का विशेष रूप से जो संचालन किया हमारे संचालक भाई मुश्ताक चंचल ने, मैं एक बार पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।